हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू संतरा इलेक्ट्रिकल हब। आज मैं आप लोगों के साथ आईबॉल का होम थिएटर कैसे रिपेयर करना है उसके बारे में शेयर करूंगा। देखिए, मैं इस होम थिएटर में पावर सप्लाई पावर दे रहा हूँ। डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है, पीछे भी स्विच ऑन किया हुआ है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग खोल लेंगे। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसका हाथ अलग से खोल के रखा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा जल्दी लेंदी हो रहा था। इसलिए आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो, इधर ये जल गया, इधर मुझे तो मैं खोल दे रहा हूँ। इधर आप देख सकते हो, ये बास्ट हो गया, बार्न आउट हो गया, और इस बार्न के वजह से इसका फ्यूज कट गया था। फ्यूज भी लगाया, फिर देख रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ट्रांसफार्मर से धुआं आ रहा है। तो इसका जो ट्रांसफार्मर है, इसका ट्रांसफार्मर का इसमें तीन सप्लाई है। एक में 15.5 वोल्ट है 1.2 एम्पियर, और एक में 12 वोल्ट है 1.7 एम्पियर, और इसमें एक में 11 वोल्ट है 0.5 एम्पियर। आप देख सकते हो ये जो वायर है, इसमें 15.5 वोल्ट आ रहा है, और इसमें जो ब्लैक दो वायर है, इसमें 11 वोल्ट आ रहा है, और इस तीन में 12.20 वोल्ट आ रहा है। ठीक है ना, ये मार्केट में खराब हो गया, पहले इसको लगाना पड़ेगा, फिर इस आईसी को 2030 आईसी है, 2030 आईसी है, इसको चेंज कर दूंगा तो सही हो जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर मार्केट में नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, उसको खुद से रिपेयर करना है। तो खुद से रिपेयर करूंगा, पहले तो ट्रांसफार्मर कैसे रिपेयर करूंगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए, पहले मैं इसका वायर काट लेता हूँ, एक वायर, इसका फ्यूज का वायर, फ्यूज खोल के लाइन को अलग कर ले रहा हूँ। देखिए, मेरा ट्रांसफार्मर मेरे हाथ में आ गया, मैं इसको इधर रख दे रहा हूँ किसी की तरह। फिर देखिए, ये ट्रांसफार्मर का जो इधर क्लिप है, मैंने पेचकस की मदद से इसे खोल के रखा था, बाकी भी खोल ले रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ये ट्रांसफार्मर का कोर को निकलना खोलना है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन होता है, लेकिन यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ पार्टी का अर्जेंट है और नहीं भी मिल रहा है, दूर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद से रिपेयर कर रहा हूँ। कॉइल यहाँ से जल गया है, इधर से धुआं आ रहा था, अब देख सकते हो इधर बाहर हो गया, यहाँ से धुआं आ रहा था, इसलिए हम लोग इसको खोलेंगे, फिर इस कॉइल को हाथ से रिवाइंडिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं ट्रांसफार्मर ले लिया हूँ, इसके जो ई टाइप कोर है उसको पहले खोलेंगे, इधर पेचकस रख के थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस ठुकाएंगे हमारे की मदद से। मैं प्लायर की मदद से कर रहा हूँ, लेकिन प्लायर की मदद से नहीं करना है, टूल्स का सटीक यूज करना है। तो ऐसे करके मैंने ठोक लिया, फिर प्लायर को देख के प्लायर से एक कोर को खोल लिया, फिर इधर आई है, इस आई को ऐसे करके खोलना है, आई को खोल दिया, फिर ई को खोल दिया, फिर इधर आई है, सावधानी से करना पड़ेगा।
और देख सकते हो आप लोग, और सिर्फ दो लगा है, इसे खोल लूँगा। लास्ट में हाँ सर, इधर लाइट का थोड़ा दिक्कत है इसलिए ऐसे हो रहा है। तो देख सकते हैं हम इसको थोड़ा बहुत खोल दें। ठीक है ना दोस्त, हमने कॉइल को बाहर निकाल दिया। इधर देख सकते हो सारे कोर है, इतना कोर को फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए, तो अभी मैं इसको टेबल में वर्कशॉप में लेके जा रहा हूँ। देखिए इसका स्टिकर को मैंने खोल दे रहा हूँ, खोल दे रहा हूँ। इस कॉइल में प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है। मैंने तो आपको वीडियो में बोला था, इधर एचडी साइड मतलब 230 वोल्ट दे दे रहा है, इधर एलडी साइड यहाँ पे 15 वोल्ट 18 वोल्ट 15 वोल्ट और 12 वोल्ट 11 वोल्ट इधर से निकल रहा है। तो इसके टेप लगा है, इस टेप को खोलना पड़ेगा। टेप लगा है, इस टेप को देख सकते हो, इधर बार नॉट हुआ था, इधर बार नॉट हुआ था। मुझे लग रहा है इधर कॉइल में जॉइंट के पास कुछ दिक्कत है। देखिए मैं इस वायर को खोल रहा हूँ, जैसे काट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बांध हो गया था। तो मैं जब इसको खोलूँगा, इसको अंदर रख दे रहा हूँ। ये इसको टर्न कितना टर्न है इसे हिसाब करके रखूँगा। देखिए
पर था इसलिए काट दिया, ठीक है ना। पहले से आप लोग देख लेना, ये गलती नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, हो भी जाता है क्योंकि आपको मालूम नहीं चलता कौन सा क्या दिया है अंदर। तो हिसाब कर लीजिए, एक घूम के एक में काट गया था, इधर से आके दो आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके हम काउंट काउंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, जो तार था एल्युमिनियम का तार था, मैंने मार्केट से कॉपर के तार लेके आया हूँ। देखिए मेरे हाथ में तीन, यहाँ पे एक है, इधर है, इधर तीन सप्लाई है, ठीक है। तो ये है हमारा 22 नंबर तार है, ये 25 नंबर तार है, सॉरी अरे ये 26 नंबर तार है। ये 22 नंबर तार को हम लोग सेंटर टाइम निकल के पहले 47 टर्न मारेंगे, फिर एक लूप निकालेगा, उसके बाद 47 टर्न मारूंगा। देखिए मैं इधर शुरू कर रहा हूँ, इधर एक लगा ऐसे करके रख के, ऐसे करके हिल कर ले रहा हूँ, फिर मैं इधर एक तार को ऐसे करके डिजाइन कर ले रहा हूँ, ऐसे कर लिया, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इसको 47 टर्न मार रहा हूँ, ठीक है। 47 टर्न मारने के बाद फिर से वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड, इधर हम लोगों ने 47 करके टर्न मार दिया, हाँ 47 टर्न मारा, फिर एक सेंटर टैप लिया, फिर 47 टर्न मारा, फिर एक सेंटर टैप लिया। उसके बाद हम लोग और एक जो टायर है वो 26 नंबर आयर है, 26 नंबर, ये 25 नंबर है, सॉरी ये 25 नंबर वायर है, ये 25 नंबर वायर को हम इधर लगा रहा हूँ, 25 नंबर वायर को इधर लगा रहा हूँ, फिर 25 नंबर को 58 करके टर्न मारेंगे, ठीक है ना। 58 टर्न मारने के बाद फिर एक सेंटर टर्न निकलेगा, ठीक है। अभी 58 मार ले रहा हूँ, उसके बाद देखिए आउटपुट वोल्टेज चेक हो रहा है। देखिए 14 वोल्ट, 13 वोल्ट, इधर देखिए 16 वोल्ट। तो मैं इसको लगा दे रहा हूँ अभी इसी में, चेक कर सकते, दिखा दे रहा इधर, एक 18 वोल्ट हो गया, इधर 23 वोल्ट हो गया। मैं इसको बंद करके ये लाइन लगाऊंगा, में देख सकते हो इधर वो डिस्प्ले आ गया। अब स्टैंड बाय ऑन कर रहा हूँ, मोड है।
पेचकस की मदद से इसको खोलना है। इसका जो नंबर है 2050 है, 2030 नहीं है, 2050 है। आपको वीडियो में बोला था 2030 लगता है, लेकिन इधर नया नंबर अलग लगा है, 2050 है। ये चार्ज था क्या, बस कैश ले हो गया। देखिए फ्रेंड, इधर अच्छे पीसीबी जल गया था, इसको अच्छे तरह से साफ कर लिया हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2050 आईसी था, लेकिन 2050 आईसी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं 2030 आईसी लगाया हूँ। 2030 और 2050 में एक ही अंतर है, उसमें 5 एम्पियर का था, 3.5 एम्पियर का लोड लेगा। आपको देखना पड़ेगा आपका जो ऑफर है उसमें स्पीकर कितना लगा है, वही हिसाब से लगा सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चल जाएगा, और इसलिए मेरे पास जो था वही लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हर चीज तो रिटर्न के टाइम में मार्केट से लेके नहीं आ सकती, इसलिए लगा दे रहा हूँ, वही चलेगा इसलिए। और आपको लगेगा ओरिजिनल लगाना है तो आप लगा सकते हो। मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ सही से, फिर तब फिर इसका लाइन लगा दे रहा हूँ। इसको ऑन करो, देखिए फ्रेंड अभी होम थिएटर सही हो गया। अभी मैं मेरे मोबाइल से मेरा जो वीडियो है उसको साउंड सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी सॉन्ग नहीं सुना सकता, अभी सॉन्ग सुनाऊँगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। इस वीडियो में इतना तक, अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नया मेरे साथ जुड़े हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।